दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लैपटॉप में व्हाट्सएप कैसे चलाना है वो देखेंगे। उसके लिए आप ब्लू स्टैक वगैरह एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये सारे एप्लीकेशन बहुत हैवी होने के कारण आपके कम रैम या फिर कम कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप में मे भी ये ठीक ठाक नहीं चलते। ये सिस्टम बहुत हैंग करते हैं, इसके वजह से ब्राउज़र पे कैसे एप्लीकेशन व्हाट्सएप चलाना है वो देखेंगे। इसके लिए आपको सिंपली आपके लैपटॉप को नेट कनेक्ट होना चाहिए और उसके साथ आप अब ब्राउज़र ओपन करोगे और ब्राउज़र में URL में वेब व्हाट्सएप नाम टाइप करके सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक आ जाएगी। पहले ही आने वाले लिंक पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक होने के बाद आपको एक सामने QR दिखेगा। ये QR आपको मोबाइल में जाके व्हाट्सएप पे ऊपर जो तीन डॉट होते हैं उन पे क्लिक करके लिंक डिवाइस करके आएगा, तो उस पे क्लिक करके आप ये QR वहाँ पे व्हाट्सएप में मोबाइल में स्कैन कर लोगे तो ये जो व्हाट्सएप है दोनों लिंक हो जाएगा। और एक बात, लैपटॉप एंड मोबाइल दोनों को इंटरनेट होना ज़रूरी है तो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे और सेम व्हाट्सएप जैसे आपका मोबाइल में चलता था आपका लैपटॉप पे आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप डायरेक्टली भी ब्राउज़र क्लोज कर सकते हो तो वो लॉग आउट हो जाएगा, या फिर आपको यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे भी जाके आप ब्राउज़र में से लॉग आउट कर सकते हो। दूसरा कोई और आपको सेटअप या फिर कुछ इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। एंड ये एज इट इज़ जैसे ब्राउज़र में हम सर्च करते हैं वैसे ही सिंपली चलता है। दैट मीन्स आप लो कॉन्फ़िगरेशन वाले लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे ये चला सकते हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।